हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पीआर तरुण, मैं आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ 11th क्लास का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का अगला भाग लेकर के। पिछले क्लास में हम लोगों ने, जैसा कि आपको पता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने मोल कंसेप्ट के बारे में कुछ प्रॉब्लम क्वेश्चंस किया था। उसी में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ नए कंसेप्ट का भी हम लोग चर्चा करेंगे, सीखेंगे नए कंसेप्ट, और साथ में क्वेश्चन भी कुछ अच्छे तरह का क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस के पहले कुछ कंसेप्ट के बारे में। जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी इसका चर्चा किया था कि मान लेते हैं एक्स हमारा कोई क्या है, एटम है। ये हमारा क्या है, एटम है। एक्स कोई एटम है जिसका एटॉमिक मास ए है और एटॉमिक नंबर जेड है, ठीक है। तो ये जो है ए, इसको हम कहेंगे क्या है हमारा, ये एटॉमिक मास है, या वेट भी केमिस्ट्री में कह सकते हैं। और ये जो जेड है हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जेड, और ये एटम। जैसा कि पता है आपको, एटम जो हमारा है, ठीक है, एटम के बारे में बहुत डिटेल हम लोग इसके अगले चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में या स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग करने वाले हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं, कभी कभी क्या करता है, वो क्वेश्चन दे दिया करता है कि बताइए इतना मोल दिया सब्सटेंस का, कोई एटम का, उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई मॉलिक्यूल दे देगा। जैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ देता है वो कि NH3 है हमारा, इसका 4.25 ग्राम है या कुछ और है, तो इतने ग्राम में बताइए कि इस अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने नाइट्रोजन है, कितने नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये तमाम बातें पूछता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस तरह की संख्या पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो निकालने आना चाहिए, तब जाके हम वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो इसी के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट को सीखते हैं। तो ये जो हमारा एटम है, एटम जैसा कि आप जानते हैं, इसमें दो पार्ट हुआ करता है। एटम के अंदर दो भाग हुआ करता है, एक हमारा सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट हुआ करता है, दूसरा हमारा पेरीफेरल पार्ट हुआ करता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए, ये एटम है, ये न्यूक्लियस, और यहाँ पे है ना, ये पेरीफेरल, ये सेंट्रल रीजन और दिस वन इज द पेरीफेरल। सेंट्रल पार्ट के अंदर क्या हुआ करता है, न्यूक्लियस हुआ करता है, न्यूक्लियस। तो ये हमारा सेंट्रल रीजन में क्या है, ये न्यूक्लियस है। और जो पेरीफेरल पार्ट है, इसमें क्या हुआ करता है, सेल या ऑर्बिट हुआ करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, सेल होगा या फिर ऑर्बिट होगा। जैसा कि आपको पता है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज़ें होंगी, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, या ऐसे सिंपल समझते हैं कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहा करता है, ठीक है ना। और ऑर्बिट में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहा करता है। तो ज़रा हम गौर करें, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहा करता है, ठीक है। और इसी चीज़ को हम न्यूक्लियस के अंदर है, इसी का नाम क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स नाम हुआ करता है। और यहाँ सेल में क्या रहता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन रहा करता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा और चर्चा करें, ठीक ना, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहा करता है, इलेक्ट्रॉन पे है ना, ये ऑर्बिट या सेल के अंदर रहता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें कभी कभी है ना, हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने कर लिया था इस बात को कि यहाँ पे यदि हम ये थ्री बेसिक जो फंडामेंटल पार्टिकल है एटम के अंदर, ये तीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इसके अलावा और भी सब पार्टिकल्स पाए जाते हैं ना, जैसे पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, मेसॉन, ये सब भी और बहुत सारा पार्टिकल पाया जाता है। लेकिन बेसिक जो हमारा है वो हमारे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं अभी, उसकी चर्चा हम अगले चैप्टर में करा करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करने वाले हैं कि कोई हमारा एटम है, तो चलिए हेडिंग देते हैं फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर हमें पता करना है इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। तो चलिए पहले हम
बात करें यहाँ से कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा बराबर है ना। इसके लिए एक छोटा सा हेडिंग इसमें डाल देते हैं, पहले ये ए में कर लेते हैं, फॉर न्यूट्रल एटम जिस पे कोई चार्ज नहीं है, फॉर न्यूट्रल एटम ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा क्लासिफाई कर देंगे तो। ये फॉर न्यूट्रल एटम जिस पे कोई चार्ज नहीं है उस पे देखते हैं, न्यूट्रल मीन्स कोई चार्ज नहीं है उस पे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वो किसके बराबर होगा, वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, जेड के बराबर होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो E इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू जेड, एक छोटी सी बात हो गई, मीन्स जितना ये हमारा क्या है, ये हमारा एटॉमिक नंबर हुआ करता है, एटॉमिक नंबर, जैसा कि आप जानते हैं P है हमारा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और ये जो E है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करने वाले हैं बी में, फॉर चार्ज्ड स्पीसीज, चार्ज्ड स्पीसीज। अब चार्ज दो तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है या निगेटिवली चार्ज हो सकता है। तो एक बात होता है चार्ज स्पीसीज हो या न्यूट्रल है, उसमें हमेशा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो जेड के बराबर होगा, ये पी नंबर ऑफ प्रोटॉन और ये जेड एटॉमिक नंबर, ये ऑलवेज होगा, ये हमेशा होगा। यदि चार्ज्ड है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी या बढ़ेगी, ठीक ना। तो इस बी की मैप फर्स्ट की बात करते हैं, इस बी पार्ट में ही फर्स्ट की, मतलब चार्ज भी होगा उसमें प्रोटॉन जेड के बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन भी होगा, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है किसी भी एटम का एक इंट्रेंसिक मूलभूत प्रॉपर्टी होता है, ठीक ना। किसी भी जो एटम है हमारा उसका जो इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है वो हमारा प्रोटॉन हुआ करता है, प्रोटॉन हर हाल में नहीं बदलता है, प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होता, एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन कभी भी नहीं होता, एक्सचेंज होता है वो इलेक्ट्रॉन का हुआ करता है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें फर्स्ट में बात करते हैं चार्ज स्पीसीज के लिए कि फॉर केटायन, फॉर केटायन, केटायन की बात करें तो केटायन कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए कोई न्यूट्रल एटम है हमारा, ये एक सी हमारा न्यूट्रल एटम है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो जितना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज का नाम क्या होता है, केटायन हुआ करता है। तो ऐसे हाल में क्या करेंगे, जो जेड है हमारा, ठीक है पहले चल रहने देते हैं इसको, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हम बात करें तो केटायन बन रहा है, कि फॉर एनायन की बात करें, एनायन, एनायन किसको कहते हैं, एनायन कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जैसे ए हमारा कोई एटम है और इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया आपने तो ए माइनस बना, और इसी का नाम हुआ करता है एनायन, इसी का नाम होता है एनायन। ज़रा गौर करिए कि ये जो केटायन है इसमें हम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा, घटेगा माइनस में, और कितना घटेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज, देखिए एक इलेक्ट्रॉन को हमने लूज़ किया तो एक प्लस मिला। अब यहाँ गौर करिए कि इसमें एनायन में हमने ऐड कर रखा है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, और कितना नेगेटिव चार्ज इस पे है, एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। तो इसी तरीके से हम देखें यहाँ पे कि चार्ज स्पीसीज के लिए जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो या तो प्लस माइनस जेड होगा, प्लस माइनस जेड का मतलब या तो बढ़ेगा। फॉर केटायन की बात करें तो केटायन के लिए क्या होगा, यहाँ से हम देख लें तो केटायन के लिए जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा क्या होगा, वो क्या होगा, जितना प्लस चार्ज होगा उतना क्या कर देंगे हम सिंपली, अच्छा इधर क्वेश्चन करके ही समझ लेते हैं कि जितना प्लस चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी उसमें, और एनायन में कितना होगा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन को हम उसमें ऐड कर देंगे, उतना इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, उतना इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से है, इसके लिए हम केटायन के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, जितना पॉजिटिव रहेगा उतना कम इलेक्ट्रॉन रहेगा, और एनायन के लिए क्या करेंगे, उतना एडिशन करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एडिशन करने के बाद बनता है वो, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी केटायन या एनायन के लिए, चार्ज के लिए, केटायन के लिए ये जो सी के प्लस है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, घटाएंगे किस में, घटाना किस में है मेरा, तो हम घटाएंगे किसके लिए,
कैटायन के लिए, ये माइनस किसके लिए हम देंगे, कैटायन माइनस करेंगे जितना चार्ज रहेगा, और ऐड किसके लिए करेंगे हम, एनायन के लिए करेंगे, ठीक ना। तो चलिए इस बात को हम कुछ एग्जांपल के जरिए चीज़ों को हम समझ लेते हैं, ठीक है। या पहले मिटाते हैं इसको, नोट कर लिया आपने, ठीक है, कीजिए जल्दी नोट करिए। चलिए ठीक था, तो आपने समझ गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त पता करते हैं। तो किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर, किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बराबर ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा। और चार्ज के लिए क्या होगा, प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, लेकिन यदि केटायन है, केटायन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना हम एटॉमिक नंबर से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे उस, तो हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। एनायन के लिए क्या होगा, तो एनायन के लिए जितना माई नेगेटिव चार्ज रहेगा, जितना उस पर निगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ देंगे किसमें, उतने निगेटिव चार्ज के बराबर जोड़ देंगे किसमें, एटॉमिक नंबर, तो हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा न्यूट्रॉन पे आते हैं और इकट्ठे फिर हम एग्जाम्पल करेंगे, एक ही साथ हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की बात कर लेते हैं, फिर इकट्ठे हम लोग न्यूट्रॉन की भी बात किया करेंगे एग्जाम्पल्स के जरिए। तो चलिए न्यूट्रॉन की बात करें, तो मेरा दूसरा है फाइंडिंग ऑफ न्यूट्रॉन, ये यू है न्यूट्रॉन एन। तो जैसा कि आपको पता है ए इज इक्वल टू पी प्लस एन, यहां से देखा जाए ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए हमारा क्या है, एटॉमिक मास है, पी जानते हैं आप नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और एन जो है हमारा वो क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये बात है। और आपको हर हाल में, हर एक स्थिति में, वो एटम न्यूट्रल हो या चार्ज्ड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हर एक हाल में जेड इजिकल टू पी हुआ करता है, ठीक है। तो यहाँ इसके बदले क्या हम जेड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू पी के बदले हम जेड लिख रहे हैं, ठीक है, जेड प्लस एन। और यहाँ से देखा जाए एन इजिकल टू क्या होगा, ए माइनस जेड। तो हमारा ये एक छोटा सा फार्मूला आ गया, जहाँ पे एन को तो जानते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, जेड को भी आप जानते हैं क्या है, ये नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, ये क्या है हमारा, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या है। जो ए है हमारा, फिर से वापस लिख देते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एटॉमिक मास है, ये क्या है, एटॉमिक मास है, और एन को भी पहचानते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या हमारा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये फार्मूला हो गया। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को निकालने का सीखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के जरिए, मिटा दें इसको, ओके। चलिए तो अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ऐसे सिंपली हमने कहा, ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग स्पीसीज, इन द फॉलोइंग, चलो फॉलोइंग ए में हम कहते हैं कि नाइट्रोजन एटम में करना है, बी में बात करें ऑक्सीजन डबल माइनस में करना है, सी की बात करें इजी लेते हैं एन ए प्लस में करना है, डी की बात करें तो इधर हम लोग मैग्नीशियम डबल प्लस में करते हैं, ठीक है, और ई की बात करें तो सल्फर डबल निगेटिव में करते हैं। एक न्यूट्रल ले लिया, बाकी सब आयन है, एक कंपाउंड ले लिया करते हैं, चलो हमने NH3 की बात कर लिया, ठीक है, चलो देखते हैं। अब हमारे पास अलग अलग स्पीसीज है, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल एटम है, ये एनायन है, केटायन है, केटायन है, एनायन है, और ये कंपाउंड है, और सब में हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की को पता करेंगे। तो चलिए पता करते हैं,
देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, यहाँ प्रोटॉन लिखते हैं, यहाँ न्यूट्रॉन लिखते हैं। इसी में बना देते हैं। चलिए हो गया। अब देखते हैं नाइट्रोजन का, जैसा कि आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ करता है, कितना होता है एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक वेट 14। ऑक्सीजन का कितना होता है 8 और ये 16। ऊपर में लिख रहे हैं क्या चीज़, ये हमारा ए है और नीचे में क्या है वो जेड है एटॉमिक नंबर, ठीक ना, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, और हम आगे बात करें कि सोडियम में कितना होता है 23 और इसका 11। मैग्नीशियम में कैसे करेंगे आप 24, ठीक ना, दिख नहीं रहा होगा, ये 24 है और ये कितना हमारा 12। सल्फर में कितना होता है 32, ठीक ना, कलर चेंज कर देते हैं कि टू से आप कन्फ्यूज़ कर जाएंगे कहीं, 32 और ये हमारा कितना है 16। अच्छा, इसमें दो है, इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें बाद में करते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको नाइट्रोजन और फिर हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन है, ठीक ना, तो तीन हाइड्रोजन है तो उसके लिए हम अलग करेंगे, फिर बाकी जोड़ जोड़ के इसमें ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। नाइट्रोजन तो हमने क्या, एक न्यूट्रल है, तो क्या फार्मूला था, जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई, ये फार्मूला था हमारे पास, और एन इज इक्वल टू क्या था, ए माइनस जेड, ये था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जितना जेड होगा 7, इसमें कितना होगा 7, जेड इज इक्वल टू ई, फिर जेड इज इक्वल टू पी, अभी भी क्या होगा 7, और न्यूट्रॉन कितना होगा ए माइनस जेड, तो ए कितना है 14, यहाँ पे 14 माइनस 7 कितना हो गया 7। क्लियर है बात, सुन आ रही है, ओके आगे बढ़ें। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, अब यहाँ पे 2 माइनस है, ठीक है, तो इस वक्त देखिए एनायन के लिए हमने कहा, ये एनायन है हमारा, दो नेगेटिव चार्ज है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन को उसने ऐड किया है, तो हमारे पास यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा तो 8 तो होगा ही, और दो और जोड़ना पड़ेगा किसके लिए, एनायन के लिए, ये दो नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए हमको ये दो माइनस है तो दो ऐड करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, समझना समझना बात को आप, तो कितना है 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन कितना हो जाएगा बताइए, पी के बराबर, पी कितना होगा जेड के बराबर, ये तो हमेशा सही है, तो 8, और न्यूट्रॉन कितना होगा 16 माइनस 8, ए माइनस जेड कितना हो गया 8। क्लियर है बात, समझ में आ गई। इसकी बात करें हम एग्जांपल्स में, सोडियम में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये देखो प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ 11 तो होगा ही, और कितना जितना पॉजिटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, माइनस करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर कितना है 1 प्लस है, तो कितना हो गया 10। अब देखा जाए ये कितना होगा, प्रोटॉन अभी भी 11 और ये कितना होगा 23 माइनस 11, ठीक है, कितना हो गया ये 12, प्रोटॉन हो गया यहाँ से। अब मैग्नीशियम की बात किया जाए तो इसमें कितना होगा 12, अब कितना घटेगा 2 प्लस चार्ज है, इस पर 2 प्लस चार्ज है तो माइनस 2 करना पड़ेगा हमें, ये 2 माइनस करना पड़ेगा, कितना हो गया 10, प्रोटॉन कितना 12 और न्यूट्रॉन कितना 24 माइनस 12 कितना होगा 10, ओह 12, ठीक ना, ये हो गया 12। अब इसमें देखें ये फिर से एनायन है, एनायन है ना, तो एनायन है तो क्या करेंगे हम, अभी 16 और 2 माइनस है तो 2 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया है, तो कितना हो गया 18 और यहाँ पे कितना होता है 16 और यहाँ पे 32 माइनस 16 इज इक्वल टू 16। अब इस नाइट्रोजन में आते हैं, अमोनिया में, तो इसमें 7 और हाइड्रोजन की बात करो आप, अब बेसिकली हाइड्रोजन की बात करो तो 1-1 हुआ करता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, हाइड्रोजन के लिए हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इसके लिए इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, तो जितना जेड होगा, जेड हमारा क्या है ये, और हमारा ए ये है तो 1, प्रोटॉन कितना होगा 1 और न्यूट्रॉन कितना होगा ए माइनस जेड, मीन्स क्या 1 माइनस 1 0। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हुआ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 इसके, 7 इसका, और हाइड्रोजन कितना एक है, एक के लिए इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो एक हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो तीन हाइड्रोजन में तीन इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया टोटल 10, 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन की बात करो
तो प्रोटॉन भी उतना ही होगा, वो 7, और किसके इसके लिए यहाँ पर कितना 1 × 3 हाइड्रोजन के लिए, ये नाइट्रोजन के लिए और ये हाइड्रोजन के लिए कितना हो गया 10 इसमें भी। और न्यूट्रॉन की बात करो तो न्यूट्रॉन तो इसमें है नहीं हाइड्रोजन में, सिर्फ कितना होगा 14 − 7 बराबर 7 न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से 7 प्रोटॉन 7। तो हम कुछ एग्जांपल के जरिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीख गए। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और मजबूत हो जाए। देखिए, यदि लाइफ में आपको कुछ करना है, जेई और नीट के एग्ज़ाम के का प्रिपरेशन करना है, उसमें सफल होना है, तो न्यूमेरिकल से वो फिजिक्स का हो या फिर केमिस्ट्री का हो, न्यूमेरिकल से आप नहीं भाग सकते, न्यूमेरिकल से मुंह नहीं मोड़ सकते। न्यूमेरिकल्स को यदि आप भाग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, मैंने किया है नीट को, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल को देखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल का जो साइड है हमारा, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए प्लीज़ आप न्यूमेरिकल को देखें। वो किसी का भी हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हम थोड़ा सा लेते हैं यहाँ पे कि कैलकुलेट मास ऑफ 1 μ इलेक्ट्रॉन, 1 μ इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं कि 1 μ मास, 1 μ इलेक्ट्रॉन है, उसका मास क्या है। तो जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं, सॉल्यूशन की बात करें कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना हुआ करता है, 9.1 × 10⁻²⁻¹ kg हुआ करता है, और मास ऑफ 1 μ इलेक्ट्रॉन इसका मतलब क्या हुआ, 1 μ इलेक्ट्रॉन कि 9.1 × 10⁻¹ इलेक्ट्रॉन, और 1 μ में कितना हुआ करता है, 1 μ में जो संख्या होता है, नंबर होता है, कितना होता है 6.022 × 10⁻²³। यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, 9.1 × 6.022, ये इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या जानते हैं आप, बेस सेम होता है, बेस 10 है, यहाँ पे 10 बेस है, और तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो इनटू कर सकते हैं 10⁻², यहाँ पे −31 + 23 है ना। आगे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो यहाँ पे कितना आएगा, 31 है तो 7 8 आएगा। ठीक है, ये 8 आ जाएगा, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें आएगा 54.6 × 10⁻²⁸ kg। तो ये हमारा मास हो गया, 1 μ का ये मास है, 54.6 × 10⁻²⁸ kg। ठीक है, इसको और आगे कर सकते हैं आप, चाहे रहने दे, उसे क्या फ़र्क पड़ता है, ग्राम में लिखने से तो यहाँ पे −5 g हो जाएगा। ठीक ना, तो ये चलिए हमारा इतना मास हो गया। एक छोटा सा और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट कैलकुलेट मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इन 500 g। ठीक है, या थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन 500 g। अब देखिए, 500 g प्रोटॉन का लिया, उसमें कितना मोल है, 500 g प्रोटॉन लिया उसमें कितना मोल है, अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक ना, तो चलिए हम बात करें कि 500 g हमने ले लिया, प्रोटॉन है 500 g, उसमें कितना मोल प्रोटॉन का है। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ से देखें, सोचिए क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे कि मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना हुआ करता है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना हुआ करता है। तो अभी आपने देखा था 1.67 × 10⁻²⁷ हुआ करता है। ठीक है, अब इस तरीके से हम बात करें कि मास ऑफ 1 μ प्रोटॉन, 1 μ प्रोटॉन की बात करें, इसका मास क्या हुआ करता है।
तो 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 से हमें करना पड़ेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1.005 इंटू 10 के पावर माइनस 3 के जी, ठीक ना, चार और इधर आ गया, तो 1.005 इंटू माइनस 20 माइनस 3 के जी मीन्स कहने का कि ये एक मोल का मास है, ठीक ना, ये जो है कितना है, एक मोल प्रोटॉन का मास है कितना, 1.005 इंटू माइनस 20 माइनस 3 के जी। ओके चलिए आगे बढ़ें, ऊपर वाला मिटाएं, नोट कर लिया होगा आपने। चल बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो मास है वो कितना का है, वन मोल का है, ठीक है, और हमें निकालना कितना है, 500 ग्राम में निकालना है, ठीक है, तो ये वन मोल के लिए है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमें निकालना है, चलिए क्या, हाउ मेनी मोल्स, तो लिखेंगे सिंस 1.005 इंटू 10 के पावर माइनस 3 के जी प्रोटन इज इक्वल टू वन मोल, वन मोल और वन मोल को क्या लिख सकते हैं, है ना, रहने देते हैं, वन मोल ही रहने देते हैं, ठीक है। देयर फोर वन के जी में वन के जी ऑफ प्रोटन कितना होगा, 1/1.005 इंटू 10 के पावर माइनस 3, ठीक है, और इसीलिए 1 केजी में हो गया ये, इसीलिए 500 ग्राम में करेंगे, 0.5 की बात करें तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये 0.5 ग्राम हो गया ना, 500 ग्राम इज इक्वल टू कितना, 1000 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 0.5 केजी हो गया हमारे पास ये प्रोटॉन का। तो इतना केजी प्रोटॉन कितना होता है, 1 मोल के बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा, ठीक है, तो 0.5 केजी कितना आ गया, तो 1.005 इंटू 10 के पावर माइनस 3 इंटू 0.5, चलो इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कितना, 0.5 बटे या ऐसे ठीक नहीं होगा, 0.05 ले लीजिए, तो ये क्या होगा, 1.005 और फिर इंटू 10 के पावर माइनस 3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें आगे तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा 1000 ऊपर में जाएगा इंटू 5, तो ये और 1.005 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग मिलेगा हमको 497.5 मोल मिल जाएगा ये, तो ये आंसर हो गया 497.5 मोल, 500 ग्राम में, 500 ग्राम प्रोटॉन में कितना होगा, 497.5 मोल हमें प्रोटॉन का मिलेगा। ओके तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, आज कुछ अच्छा सा क्वेश्चन और करें हम। ठीक है चलिए इसको मिटाते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट क्वेश्चन हमारे पास फिर से है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ द फॉलोइंग, ए में है 1200 केजी ऑफ मैग्नीशियम, बी में है 3 मिलीग्राम ऑफ, है ना, 3 नहीं देते हैं यहाँ पे, कुछ चेंज करते हैं, 4 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, सी की बात करें 11.2 केजी या ग्राम ही रहने देते हैं, ग्राम ऑफ आयरन Fe, और डी की बात करें तो इसका लेते हैं 71 मिलीग्राम
ऑफ Cl2। अब इसमें हमें सब क्या निकालना है, मोल निकालना है, मास सबका दे रखा उसने। तो चलिए यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, n इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम, WG/MW, ये हमारा फार्मूला हुआ करता है, बेसिक फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम a से देखें तो n क्या होगा, 1200 kg है, तो हमें इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1200 इंटू 10^3 या 1000, क्यों, कि 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम हुआ करता है। तो कितना हुआ, 12 × 10^3 कितना, 3 ये और 2 5, ये हो गया हमारा क्या चीज़, एन की बात करें, ये वेट हो गया, ये तो वेट हो गया हमारा, और डिवाइड बाई कितना, मैग्नीशियम कितना होता है, 24, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स कर गया, मीन्स 1/2 × 10^5 मोल, ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा की बात करें हम बी का, है ना, सीखेंगे बात को, यहाँ मिलीग्राम दे रखा हो तो कोई बात नहीं, मिलीग्राम दिखा तो कोई बात नहीं। तो बी में कैसे करेंगे, ये था हमारा एन इज इक्वल टू, अब ये क्या हो गया, मिलीग्राम है यहाँ से, तो 4 × 10^-3 ग्राम हुआ, क्योंकि 1 mg क्या उतना होता है, 10^-3 ग्राम हुआ करता है। तो यहाँ पे देखो 4 × 10^ वेट WG, ये हमारा WG 10^-3 बट्टे कितना, ऑक्सीजन एटम है तो कितना, 16, ये 4 से कट गया, तो 1/4 × 10^-3। बाकी को भी कर सकते हैं आप, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके मोल क्या लिखेंगे आप, है ना, खुद से कर लेंगे इसको। तो WG कितना है, 11.2, अब बट्टे आयरन कितना होता है, 56, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से आ जाएगा। इसकी बात करें क्लोरीन का क्या होगा, यहाँ कितना, 71, तो 71 × 10^-3, क्यों 3 − 3 किया, मिलीग्राम के लिए, ग्राम में चेंज करने के लिए, और इसका कितना, 71, तो ये आंसर है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। चलो छोटा सा और क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हुआ बात, समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। और सारा क्वेश्चन करते हैं, अब वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन करें, है ना, जब नहीं सॉल्व हो आपसे खुद सॉल्व करने की कोशिश, पहले क्वेश्चंस देख लें, क्वेश्चंस खुद करने की कोशिश करें, सॉल्व नहीं हो आपसे, प्रॉब्लम आ जाए तब जाके आप सॉल्यूशन को देखना, ऐसा नहीं कि बस, है ना, पढ़ लिया सुन लिया हो गया। तो बाबू ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है कुछ करने के लिए, है ना, बहुत आपको मेहनत, बहुत प्रयास की आवश्यकता पड़ेगी। एक दो क्वेश्चन लेते हैं हम आपके, ठीक है, क्वेश्चन एक छोटा सा लिखते हैं कि एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी आर 20 and 40 रिस्पेक्टिवली। ए और बी है हमारा दो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है और 40 रिस्पेक्टिवली है। इफ एक्स ग्राम ऑफ ए कंटेन वाई, एक्स ग्राम ऑफ ए कंटेन वाई एटम then calculate number of b atom। चलिए कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का। एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी आर 20 and 40 रिस्पेक्टिवली, इफ एक्स ग्राम ऑफ ए कंटेन वाई एटम देन कैलकुलेट नंबर ऑफ बी एटम। तब आपको क्या करना है, बी एटम को, है ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बी एटम इन 2x। चलिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप सॉल्व करें, एक 30 सेकंड का टाइम देते हैं, देखें इसको, सोचें इसके बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए मोल निकालिए यहाँ से, ए के लिए 20, है ना, इसका एटॉमिक नंबर है, बी का कितना है 40, इफ़ एक्स ग्राम ए का दिया हो तो एक्स बाई 20, 2x/40 कर लें, है ना, हो जाएगा, करें हम, चलिए हम सॉल्व करते हैं, आप देखें, ठीक है, हाँ
तो चलिए नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कितना होगा, तो वही डब्ल्यू जी बाई एम डब्ल्यू करना है। अच्छा ए का कितना दिया हो, एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट, एटॉमिक वेट ए का ये है, मतलब ये एम डब्ल्यू ऑफ ए है, ये क्या है एम डब्ल्यू ऑफ बी है रिस्पेक्टिवली। एक्स ग्राम किसका हुआ दिया ए का, और बी का कितना दिया हुआ है टू एक्स ग्राम, तो चलिए कितना होगा एक्स बटे ट्वेंटी। अब इसमें कितना है वाई एलिमेंट, इसमें कितना है वाई एटम है इसके अंदर, ये जो ए का मोल है उसमें कितना है वाई एटम है, ठीक है क्वेश्चन कह रहा है कंटेन वाई एटम। तो चलिए हम आते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ बी पे, ये कितना होगा, तो इसका भी मास 2x और कितना 2x बटे 40, तो ये तो ऑटोमेटिकली कट गया उतना ही आ गया, तो ये भी x बाई ट्वेंटी, तो इसमें कह रहा है कितना होगा, तो ये इतना रखता है तो इसका आंसर भी क्या होगा y ही होगा, तो b भी कितना रखेगा y रखेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था है ना, तो बस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन देखने में अजीब सा उपटांग लग रहा है लेकिन देखिए आंसर एकदम ईजी हुआ ना, तो बस आपको चेक करना है, आपको सोचना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इस तरीके से, एक और क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं, ठीक ना। एच डब्ल्यू है, क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का आपको क्या करना है मॉलिक्यूल निकालना है, ए ऑप्शन ए में। अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, ठीक ना। पहला है क्वेश्चन हमारा पर वाटर मॉलिक्यूल इन ए कप हैविंग 50 ml, एक वाटर का मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल निकालना है कप में जिसमें 50 ml पानी रखा हुआ है उसमें निकालना है। यहाँ पे डेंसिटी उसने दे रखा, पहला क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखा कितना 1 g/ml उसने डेंसिटी दे रखा। बी में है 1 liter ऑफ प्योर वाटर, 1 liter ऑफ प्योर वाटर में आपको मल निकालना है। सी में है ए ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.05 g, 0.05 g एक वाटर का ड्रॉप है जिसका वेट कितना है 0.05 g है, उसमें कितने मॉलिक्यूल वाटर के होंगे उसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें हम क्वेश्चन का, तो एक और इसमें देते हैं 34.20 g ऑफ केन शुगर, केन शुगर का क्या होता है फार्मूला C12H22O11, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है एम डब्ल्यू, आप कैलकुलेट करना है इसको 342 है ना, 342 इसका मॉलिक्यूलर वेट हुआ करता है, ठीक है। तो इसको आपको खुद करना है क्वेश्चन को, ऐसे हम अगले क्लास में इसको बता देंगे, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट एक और बताएंगे हम आपको, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। क्वेश्चन से आपका नाता जरूर होना चाहिए, क्वेश्चन आप मैक्सिमम करें, ठीक है। चलिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन करें, क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द फॉलोइंग इन 8.5 g ऑफ अमोनिया। देखिए क्या है 8.5 g ऑफ अमोनिया में क्या क्या पता करना है आपको, नंबर ऑफ मोल बी में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सी में, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम डी में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ई में वॉल्यूम एट एसटीपी। ये पांच क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। एक एक करें हम इसको क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहले समझते हैं। फाइंड द फॉलोइंग इन 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया, मींस 8.5 ग्राम अमोनिया का हमने लिया, उसमें नंबर ऑफ मोल निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकालना है, और वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया क्या है, ये दिया हुआ है WG, और इसका MW हमें पता है कितना होता है, 14 + 3 = 17, यस ठीक है 17। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। तो WG/MW तो कितना होगा, ये होगा 8.5/17, हाफ मोल, यस ये हाफ मोल हमें मिल गया, ठीक है हाफ मोल 0.5 मोल या हाफ मोल आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है, ए हो गया हमारा, बी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल एन का वैल्यू क्या होता है, ये हो करता है मोल एन इंटू एवोगाडोज नंबर एन ए। तो हमारा कितना है, ये हाफ इंटू एवोगाडोज नंबर 6.022 × 10⁻²³, कितना हो जाएगा ये 3.1011 × 10⁻²³, ये हो जाएगा अमोनिया मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल, कोई दिक्कत नहीं। सी में आते हैं, नंबर ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन एटम, ओके। तो यहाँ जैसा कि आप बी में देख रहे हैं, नंबर ऑफ कितना है, ये यहाँ आप देख सकते हैं सी में, बी के क्वेश्चंस में क्या सॉल्यूशन मिला हमें, नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल की बात किया है, मॉलिक्यूल कितना आया हमारे पास, वो आया है 3.011 × 10⁻²³। अब इसे हम देखें नंबर ऑफ नाइट्रोजन, तो एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन में देखिए जरा गौर करिए, इसमें क्या है, 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो चलिए नाइट्रोजन की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, जितना मॉलिक्यूल है उतना ही नाइट्रोजन, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक ही नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पे कितना होगा, 1 × 3.011 × 10⁻²³, ये आंसर। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो कितना होगा, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना है, एटॉमिसिटी कितना है इसका हाइड्रोजन का, 3 है। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितना हाइड्रोजन वही उसकी एटॉमिसिटी है, पिछले क्लास में हमने क्या था, तो ये 3, तो 3 × 3.011 × 10⁻²³, तो हम कह सकते हैं इसको 99.990.9 है ना, × 10⁻²³, ये हमारा हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि आपको मालूम है NH3 में देखें, इसमें हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें चर्चा करें कि NH3 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है, इसकी हम बात करें। यहाँ से हम देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ठीक ना 7, और इसमें कितना हाइड्रोजन, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है एक हाइड्रोजन में, है ना। नाइट्रोजन को देखें तो 14 और 7, हाइड्रोजन की बात करें 1, 1, तो इसमें 8, इसमें 1, तो इसमें कितना हुआ 7 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कितना 10, ये इलेक्ट्रॉन हो गया 10। प्रोटॉन कितना होगा, 7 इसमें और एक प्रोटॉन इसमें, तो 10 इसमें भी। न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 7 हाइड्रोजन में, तो न्यूट्रॉन होगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या हुआ करता है, हाइड्रोजन में जितना जेड है, ए जितना है उतना ही जेड है, तो ए माइनस जेड कितना होगा 0, तो इसमें सिर्फ क्या होगा, जितना न्यूट्रॉन नाइट्रोजन में होगा उतना ही होगा, तो 7, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था पीछे। तो चलिए एक मॉलिक्यूल की बात करें, यहाँ से हम इसकी बात करें डी का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना है, मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल × 10, तो कितना है ये 3.011 × 10⁻²³ × 10, ठीक है 10⁻¹ है, ये कितना होगा 3.011 × 10⁻²⁴।
अच्छा देखिए, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन है, तो दोनों ये भी किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, ठीक ना। न्यूट्रॉन की बात करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 7 × 7 × 3.011 × 10^23, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारे पास, न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इतना के बराबर हुआ ये, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, मिटाते हैं इसको, एक मिटा देते हैं इधर, चलिए देखते हैं। तो वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वॉल्यूम है ना, गिवन, और एक मोल गैस का, क्योंकि अमोनिया क्या होता है, गैस होता है, एक मोल गैस का मोलर वॉल्यूम कितना होता है, एक गैस मोल का मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखें, वी गिवेन कितना हुआ करता है, एन इंटू 22.4 लीटर, तो एन कितना है, 0.5, आधा, या ऐसे हाफ लिखें इसको, 1/2 × 22.4, तो कितना हो गया, 11.2 लीटर आंसर, ठीक है। आप कहेंगे सर साढ़े आठ ग्राम इतना सा सर, और 11.2 लीटर इतना सर मिल गया अमोनिया गैस, तो लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा हो, तो मास का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पास पास में है, और ये मॉलिक्यूल काफ़ी दूर दूर में, लिक्विड का डेंसिटी कम होता है इसीलिए, है ना। और एक्चुअली ये गैस का डेंसिटी है, लिक्विड नहीं, ये गैस का डेंसिटी है जिसका इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, तो ये 11.2 लीटर। ओके, बन गया ये क्वेश्चन, ठीक है, नोट कीजिए इसको, कोई दिक्कत है तो बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन करना आप, है ना, और भी बुक से क्वेश्चन करना, एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन करना, जो प्रॉब्लम होगा मेरे व्हाट्सएप नंबर, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो क्या है, वो देखें वो व्हाट्सएप नंबर क्या है, तो आप इस पर आप क्या कर सकते हैं, भेज देना क्वेश्चन को, 9472829262, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पे आप क्या करना, प्रॉब्लम होगा कोई भी तो इसको आप इसको भेज देना, क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके आपको फिर वापस से भेज देंगे, ठीक है। या फ़ोन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसमें, कहीं आपसे चूक हो रही है, तो आप इस पे कर सकते हैं, ओके, फ़ोन, व्हाट्सएप, जो मर्जी करें कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं छोटा सा कंसेप्ट पे, परसेंटेज कंपोजिशन। नेक्स्ट जो मेरा कंसेप्ट है वो क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, कोई सा भी मॉलिक्यूल है उसमें उस एलिमेंट का कितना परसेंटेज है। तो क्या होता है, इस फार्मूला की हम बात करें कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट की बात करें तो कितना होगा, ये होगा कि उस कंपाउंड के अंदर उसका, उस एटम का या उस एलिमेंट का क्या मास है, और फिर उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। अब एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में चीज़ें आ जाएगी कि हमने क्या लिखा है, इनफैक्ट, ठीक ना, क्या लिखा है। जैसे एग्जांपल करते हैं या क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेते हैं कि फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन C6H12O6। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, C6H12O6 में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्या परसेंटेज है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एग्जांपल के लिए। तो हम यहाँ पे बात करें कि परसेंटेज ऑफ कार्बन,
तो कार्बन का कितना मास है इसमें देखिए, 12 एक का इंटू 6 कितना हुआ 72, हाइड्रोजन कितना है 1 इंटू 12 मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए कितना है 12, ऑक्सीजन की बात करें तो कितना होगा 16 इंटू 6 कितना है 96, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 180, सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा ये 180, ठीक है, सबको आप ऐड कर दें 12 प्लस 72 प्लस 12 प्लस 96 कितना होता है 180 हुआ करता है, ठीक ना, 180 हुआ करता है। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ कितना होगा, कार्बन की बात करें तो कार्बन कितना 72 है बटे 180 और इंटू कितना 100, तो ये से ये कट गया 18 4 मीन्स कितना हुआ 40% क्या है इसमें कार्बन है। फिर परसेंटेज ऑफ किसका, हाइड्रोजन की बात करें तो 12/180 इंटू 12 मास ऑफ दैट कंपाउंड दैट एलिमेंट इन बटे टोटल मास 180 ऑफ कंपाउंड इंटू 100 10 6 0 6 2 6 3 मीन्स 20/3 मीन्स 6.67%। और हम कर सकते हैं इधर में परसेंटेज ऑफ किसका, ऑक्सीजन का कितना होगा 96/180 और इंटू 100, ये से जीरोस कट गया, इसको करें तो 3 से कैंसिल करें तो 6 3 18 और इसको 3 2 फिर से करें वापस से तो कितना होगा ये 2 से करें तो 3 और ये 16 मीन्स कितना 160/3 अब डिवाइड कर लेना परसेंट, ठीक ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन हम आपके आपको देते हैं, आप उसको समझना। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको देते हैं, क्लियर है बात, इजी है टॉपिक, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट, फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH, ये क्वेश्चन है ना, आप सॉल्व करें, सॉल्व कर दें। चलिए आप घर पे इसको करना है ना, जब नहीं हो तो सॉल्यूशन देख लेना, आप सॉल्यूशन कर देते हैं। NaOH में क्या किया बाबू, तो ये देखो तीन चीज़ें हैं इसमें, एक तो सोडियम है Na है जो कितना होगा इसका 23 मास हुआ करता है, और दूसरा ऑक्सीजन है हमारे पास इसका क्या होगा 16, और तीसरा क्या हमारे पास हाइड्रोजन है जिसका मास कितना होगा 1, टोटल कितना होगा 40 में 16। चलिए तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो कितना होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 बट टोटल मास 40 इंटू कितना 100, ठीक है, ये भी कितना आया 40% आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये आपको देते हैं होमवर्क देते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं। ए कंपाउंड कंटेन 25% सल्फर, ए कंपाउंड कंटेन 25% सल्फर, एक कंपाउंड जिसमें 25% क्या है सल्फर है, बाय मास, बाय मास के हिसाब से है ये, बाय मास डिटरमाइन मिनिमम मॉलिकुलर मास, क्वेश्चन फिर क्या क्या कहता है कि डिटरमाइन पता करें मिनिमम मॉलिकुलर मास, डिटरमाइन मिनिमम मॉलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड ऑफ सल्फर, ऑफ द कंपाउंड ऑफ सल्फर, ठीक ना, मिनिमम पॉसिबल मॉलिकुलर मास, मतलब एक कंपाउंड है सल्फर का है, ठीक ना, जिसमें कितना है, या कोई भी कंपाउंड है जिसमें सल्फर का 25% है बाय मास के हिसाब से, तो पता कीजिए कि उसका मिनिमम पॉसिबल जो मॉलिकुलर मास होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो ये होमवर्क है, चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं हम, नेक्स्ट जो आएंगे इसके अगला क्लास जो इसका अगला क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टोइकोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट, इसके आगे जो हम बात करेंगे
तो स्टेकियोमेट्रिक स्टेकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टेकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो वापस से चर्चा करते हैं। तब तक इसमें क्वेश्चन करें और काफ़ी क्वेश्चन करें आप, ठीक है। और जो नहीं सॉल्व होता है, कोई दिक्कत है, तो ये 9472829262 जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन को आप कॉल कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, है ना, जो पढ़ाया है मूल कंसेप्ट उसके रिगार्डिंग। ओके, ठीक है, तब तक हम इसको यहीं छोड़ देते हैं और आप मेहनत करें, पढ़ें, खुश रहें, अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें, खूब मेहनत करें। ओके, थैंक यू।